नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर डेयरी के दूध सप्लायरों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को हड़ताल कर दी और इससे राजधानी जयपुर और इसके समीप से दौसा जिले में आज शाम से ही दूध की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि हड़ताल की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन डेयरी सप्लायरों ने डेयरी परिसर के अंदर ही अपने टैंकरों को खड़ा कर दिया है। ये टैंकर शाम को दूध सप्लाई लेकर डेयरी से नहीं निकले हैं और इससे जयपुर शहर और दौसा में आज शाम से दूध सप्लाई बाधित हो सकती है। राजस्थान के 30,000 होमगार्ड स्वयं सेवकों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें राजस्थान रोडवेज की बसों में सफर के दौरान किराए में 25% की छूट मिलेगी। डीजी होमगार्ड राजीव दासोत और रोडवेज एमडी नवीन जैन के बीच हुई सहमति के बाद किराए में रियासत का निर्णय लिया गया है। दरअसल 13 जुलाई 2020 को होमगार्ड की राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति की बैठक हुई। होमगार्ड ने पुलिसकर्मियों के समान रोडवेज में ही निशुल्क पास की मांग भी रखी और इस पर होमगार्ड डीजी राजीव दासोत ने पहल करते हुए रोडवेज प्रशासन से चर्चा की। इसके बाद होमगार्ड डीजी राजीव दासोत ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी। इजराइल से आई जैतून की फसल तकनीक अब राजस्थान में फल फूल रही है। इनकी वानगी है कि देश की पहली जैतून रिफाइनरी अब अपने पूरे शबाब पर आ गई। जैतून को लेकर किसानों की बड़ी रुचि ने रिफाइनरी को एक नया जीवन दान दिया। राजस्थान में जैतून का नाम लेने पर ही ऐसा लगता था कि ये कौन सा फल है और इसके बाद उसकी खेती करना जैसे कोई काल्पनिक कहानी हो, लेकिन कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद ए खुदा। कुछ ऐसा ही बीकानेर के लूणकरण सर में देखा जा रहा है। जी हाँ, जिस फसल की कुछ वर्षों पूर्व कल्पना नहीं की जा रही थी, आज उसकी रिफाइनरी सफलता के झंडे गाड़ रही है। देश की पहली रिफाइनरी में राजस्थान भर के किसान अपनी फसल को लेकर इस रिफाइनरी में ऑयल निकाल रहे हैं। कोरोना काल में शुरू हुआ परीक्षाओं का सिलसिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तारीख का बुधवार को ऐलान कर दिया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अंतिम वर्ष की यह परीक्षा आगामी 23 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में कुल 27,494 परीक्षार्थी पंजीकृत है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये परीक्षा प्रदेश के कुल 142 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा के आयोजन में कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा और तकनीकी शिक्षा मंत्री के आदेश पर अब अधिकारी परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गए हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को आदेश जारी कर दो विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त किए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में प्रोफेसर राजीव जैन को कुलपति बनाया गया है, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर में प्रोफेसर भागीरथ सिंह को बतौर कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रदेश में सरकारी 27 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां कुलपति की नियुक्ति होनी है। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्यायालय विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति का पद 15 अक्टूबर 2015 से रिक्त चल रहा है और वहीं राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय जयपुर में कुलपति का पद 12 जुलाई 2020 से रिक्त चल रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के एएन भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 6 माह बाद भी जारी नहीं हुआ। परीक्षा में शामिल हुए 16,487 अभ्यर्थी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वे इंटरव्यू की तैयारी कर सके, लेकिन अब तक परिणाम जारी नहीं होने से वह परेशानी में है। अभ्यर्थियों ने बताया कि 949 पदों के लिए आरपीएससी ने सहायक अभियंता यानी एएन परीक्षा के लिए 5 अप्रैल 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा 16 दिसंबर 2018 को कराई गई और रिजल्ट 18 जुलाई 2019 को जारी किया गया। राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में गठित समिति की बुधवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में राजस्थान पारदर्शिता एवं जवाबदेही कानून के प्रारूप पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि हमें नए प्रस्तावित कानून को ज्यादा जवाबदेही, पारदर्शी और मजबूत बनाने के साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण की पुख्ता व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि आमजन को तय समय पर लोक सेवाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित किया जा सके। आखिरकार मॉनसून के आखिरी दिनों में जयपुर में बारिश का कोटा पूरा हो गया। मॉनसून की कुल सामान्य बारिश से अधिक जयपुर में बारिश का आंकड़ा पार कर गया है। राजधानी में मॉनसून की कुल सामान्य बारिश 524 मिलीमीटर है। सोमवार को हुई बारिश के बाद जयपुर की बारिश बढ़कर 535.75 mm पर पहुंच गई और इसी के साथ मॉनसून आने के 2.5 महीने बाद राजधानी में बारिश का कोटा पूरा हुआ है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पैरामेडिकल स्टाफ में लैब टेक्नीशियन, नर्स, संविदा फार्मासिस्ट, क्लर्क सहित अन्य के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है।
इन पदों पर भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी और इसके तहत कुल 29 पदों पर नियुक्तियां होनी है। यह भर्तियां असम के दुलियाजान स्थित मुख्यालय के लिए निकाली गई हैं और इन पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा और यह प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेंगी। कोरोना के बीच होने वाले राजस्थान में पंचायत चुनावों से दावेदारों के साथ खुद चुनाव आयोग की चुनौती भी बढ़ गई है। दावेदारों के सामने जहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती रहेगी, वहीं स्थानीय प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए बूथों के निर्धारण से लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराते हुए चुनाव कराने की है। चुनाव आयोग ने कोरोना के बीच में चुनाव कराने को लेकर सभी जिला कलेक्टरों को अलग से भी गाइडलाइन जारी की है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जनसंपर्क से लेकर जीत के विजय जुलूस तक कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। सोमवार को हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की याचिका पर फैसला देते हुए कुल फीस का 70% ट्यूशन फीस के रूप में लेने के आदेश दिए और साथ ही पेंडिंग फीस 31 जनवरी 2021 तक 3 किश्तों में भुगतान के भी आदेश दिए। आदेश के बाद जहां निजी स्कूलों ने खुशी देखने को मिली तो वहीं अभिभावकों में निराशा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हालांकि अभी तक आदेश का विस्तृत अध्ययन करना बाकी है, लेकिन विभाग और मेरा मानना है कि कोई भी स्कूल जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है, जब स्कूल खुलेंगे तो उन्हें फिर से सिलेबस को पूरा करवाना होगा और साथ ही अगर कोई छात्र ऑनलाइन एजुकेशन नहीं लेना चाहता तो ऐसे बच्चों का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। जयपुर में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने कारोबारियों को भी चिंता में डाल दिया है। प्रशासन भले ही लॉकडाउन या कारोबार का समय तय करने का निर्णय नहीं ले रहा, लेकिन व्यापार मंडलों ने इसकी पहल की है। राजापाक व्यापार मंडल में अब प्रत्येक रविवार को अवकाश रहेगा और साथ ही दुकानों के खुलने का समय भी रात 8 बजे तक नियत किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्कूलों, कौशल केंद्रों एवं पीजी एवं डॉक्टरल कोर्स संचालित करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालन के लिए कोरोना से बचाव की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से स्कूलों और उपरोक्त श्रेणी के उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। एसओपी में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेजों, कौशल संस्थानों को खोलने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा। हालांकि यह स्वैच्छिक होना यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। भीलवाड़ा शहर के रमेश चंद्र व्यास नगर में घर में घुसे चोर के चाकू तान कर धमकाने के बावजूद ममता ने हिम्मत नहीं हारी। चोर के भाग जाने के बाद उसके पीछे दौड़ी और उसकी मदद से राहगीर भी दौड़े और पीछा करके उसे दबोच लिया। सुभाष नगर पुलिस आरोपित को पकड़कर बाद में थाने ले आई। कोरोना संक्रमण काल के कारण लॉकडाउन के दौरान लगाई गई बंदिशें लगातार हटने के बाद अब उत्तर पश्चिमी रेलवे ने फिर से नई पैसेंजर ट्रेनों की घोषणा की है। 2 दिन पहले ही उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 6 पैसेंजर रेल चलाने की घोषणा की थी और अब 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें और 12 सितंबर से चलाई जाएंगी। इन सभी ट्रेनों की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होंगी और ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के सभी रेलवे मंडल से चलेंगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के CPRO अभय शर्मा ने बताया कि ट्रेन संख्या 02281 जबलपुर अजमेर 12 सितंबर से शुरू होगी। ट्रेन नंबर 02403 प्रयागराज जयपुर में भी 12 सितंबर से चलाई जाएगी और तीसरी ट्रेन डिब्रूगढ़ लालगढ़ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।